फ्रेश एग्जाम्पल है कर्नाटक, जहां का मैं इंचार्ज हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया भाई। पकड़ा किसने? लोकायुक्ता ने दबिश दी। 40 लाख रुपए तो पकड़े ही गए। जब घर और ऑफिस में दबिश डाली गई, 8 करोड़ रुपए और कैश मिले, अनअकाउंटेड मनी। हमने, आपने, पूरी दुनिया ने देखा। कर्नाटक में तो एक ओपन सीक्रेट ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 18 मंत्री ऐसे हैं कर्नाटक सरकार के जिनके बेटे बेटियां और दामाद मंत्री के एंटी चैम्बर में बैठ के ठेकेदारों से डील करते हैं, दलाली करते हैं। ये तो एक पकड़ा गया है, 18 नमूने अभी बाकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और थोड़ा सा पीछे जाए तो कर्नाटक में ही एक कॉन्ट्रैक्टर ने भाजपा के उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पे 40% कमीशन खाने का आरोप लगा के अपनी जान दे दी। पूरे प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठा हुए, दबाव बना, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, जो उनकी खामियों कमियों की स्वीकृति थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 40% कमीशन की सरकार कर्नाटक में है। फिर भी चुप है सारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टजनों की प्यूरिफायर पार्टी में अगर कोई आ गया तो आप मान लीजिए कि सारे दाग अच्छे हैं, धुल गए। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए के रिश्वत का इल्जाम लगाने वाली भाजपा और भाजपा का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई और ईडी नाम से, 10 रुपए की बरामदगी भी नहीं दिखा पाया। ಪಕ್ಷ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಆಮ್